तो वेलकम है दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे जी, अब बात करने के लिए रहा ही क्या है। अच्छा ऐसा मत बोलिए, चलिए मजाक कर रहे हैं। काहे मजाक करते हैं? मजाक इसलिए करते हैं ताकि आप लोग हंस जाए थोड़ा सा। तो हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4, ठीक है, रांची विश्वविद्यालय और नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय के लिए, ठीक है। देख लेते हैं, तो हिस्ट्री सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4, इसमें पहले सिलेबस देखिए पढ़ना है आपको। क्या पढ़ना है? अर्ली मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, 550 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, ठीक है। कौन कौन पढ़ा है, हाथ खड़ा कीजिए। एको को नहीं, कोई नहीं पढ़ा है, पढ़े होंगे यदि आप 12th में। तो बाकी ग्रेजुएशन में मुश्किल से अगर 1000 बच्चों में दो बच्चा यदि पढ़ता है तो बुक से, बाकी सब गेस्ट पेपर और आपका इंटरनेट का भरोसा है ना, बाबा जी कराएंगे। जो होगा गेस्ट पेपर बाबा पार कराएंगे। चलिए मैं यहाँ पे आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपको 75 क्वेश्चन मैच करेगा। अगर नहीं मैच करा तो कैसे मैच नहीं करेगा यार, हर बार मैच करता है, इस बार भी मैच करेगा, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि मैं यार फालतू की इतना मेहनत कर रहा हूँ, मुझे कहीं काम वगैरह करना चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस भी नहीं लगता है, काम जो लगा था उसको भी मैंने छोड़ दिया नौकरी के चक्कर में, अब नौकरी भी नहीं लगा और काम भी छोड़ दिए हैं। यूट्यूब से पैसा उतना कुछ खास नहीं आता है, ठीक है, कभी कभी आता है कभी नहीं आता है, तो अब काम ज्वाइन करना पड़ेगा। यूट्यूब वगैरह में मन नहीं लगता है, मन लगने से क्या होगा, पैसा भी चाहिए ना, बहुत मेहनत है यूट्यूब में, ठीक है। चलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि दूसरों के सामने फिर बोलने से भी क्या फ़ायदा। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सभी 15 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले, इसका आंसर जब आप कीजिएगा तो आपको 1 मार्क्स वाले इसका आंसर पता चल जाएगा अपने आप, ठीक है। क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों को लिखें, बताना है कि गुप्त एम्पायर जो है क्यों डिक्लाइन हो गया, ठीक है। राइट द रीजन फॉर द फॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर, ठीक है। गुप्त साम्राज्य जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने किया था और इसके सबसे महान शासक समुद्रगुप्त हैं, जान के फायदा क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा जी। खाली किताबी ज्ञान और कुछ फायदा नहीं है, रियल लाइफ में क्या फ़ायदा है, घंटा कुछ फायदा है। हाँ नहीं तो हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ पढ़ के दिमाग तो ख़राब हो गया मेरा। अगला है हमारा दूसरा क्वेश्चन, हुन आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। हुन लोग भारत पर क्यों आक्रमण किए और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, कितना क्षति पहुँचा, जान के क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा नहीं है। चलिए पढ़िए पढ़िए, ज़्यादा दिमाग मत इस सब में लगाइए, ठीक है। आपके मन में भी कभी कभी सवाल आता होगा ऐसा, लेकिन ये सब का मतलब मीनिंगलेस सवाल है, फालतू में पढ़ाई कर रहे हैं, मजाक नहीं बोल रहे हैं। भारत का एजुकेशन सिस्टम कचड़ा है, कचड़ा। हुन आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है, बताना है। नेक्स्ट है आपका तीसरा क्वेश्चन, हर्षवर्धन के साम्राज्य में राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था का वर्णन करें, जब हर्षवर्धन रहा करते थे राजा उस टाइम पे राज्य की सामाजिक स्थिति कैसा थी, ठीक है, सांस्कृतिक कैसा था, इन सभी को बताना है। धर्म के बारे में भी अब बता दीजिएगा थोड़ा सा। डिस्क्राइब द सोशल एंड कल्चरल सिस्टम ऑफ द स्टेट इन द एम्पायर ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है। इस सब जान के सही बता रहा हूँ दोस्त, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, ना कोई काम देगा आपको, ठीक है, ना ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब ले पाइएगा। गवर्नमेंट जॉब अगर रेलवे में अभी निकला है 8000 वैकेंसी, ठीक है, एनटीपीसी का मान के चलते टोटल 12000 वैकेंसी। फॉर्म अप्लाई करने वाला कितना है, फॉर्म अप्लाई करने वाला है जी 35 लाख, ठीक है, 35 लाख, 30 से 35 लाख बच्चे फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं। क्या हिसाब है बताइए, कितनों पढ़ लीजिए 12000 का आदमी का नौकरी लगेगा। इसलिए आप लोग पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में ये मत सोचिएगा कि मुझे नौकरी लेना है, कोई भी काम मिलता है अभी से ज्वाइन कर लीजिए और काम के साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत ख़राब है तो, क्योंकि आप अगर अभी काम नहीं कीजिएगा ना और पढ़ाई करते रहिएगा ना, तो मैं यकीन के साथ बोलता हूँ 100 में 98 को बच्चा फेल हो जाएगा और लाइफ में बहुत पछताइएगा। इसलिए 2 ही को बच्चा अगर जॉब लगेगा सरकारी वाला, ठीक है, तो जो अभी मिल रहा है प्राइवेट वगैरह हो या कहीं पर किसी का भी किसी भी जगह पर फिट हो जाइए, ठीक है, कहीं पर काम मिल रहा है तो ज्वाइन कर लीजिए और काम के साथ पढ़ाई कीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी। आज मैं पढ़ाने से ज़्यादा एडवाइजें दे रहा हूँ। राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं, ठीक है, राजपूत लोग क्यों उभरे यहाँ पे
और विशेष रूप से आपका ये राजस्थान के एरिया आता है राजपूतों में, ये कारण बताने हैं मेजर जो भी रीजन है। नेक्स्ट है आपका त्रिपक्षीय संघर्ष से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रिपार्टियर कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो तीन राजाओं, तीन वंशज के बारे में, कन्नौज को लेकर, कन्नौज एक क्षेत्र था, बहुत फेमस एरिया है, ठीक है, प्राचीन भारत का, उस जगह को जीतने के लिए तीन वंशजों में युद्ध छिड़ गया, इसी को बोला जाता है त्रिपक्षीय युद्ध, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, अगला है हमारा यहाँ पे महमूद गजनवी, ठीक है, ने भारत पर आक्रमण क्यों किया ये बताना है, और क्या इसका इम्पैक्ट रहा। और अगर मोहम्मद गजनवी पूछेगा तो फिर गौरी नहीं पूछेगा, दो में से कोई एक पूछेगा, मोहम्मद गरी, मोहम्मद गजनवी या मोहम्मद गौरी। गौरी का भारत पर आक्रमण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, 17 बार आक्रमण कर दिया था बेटा, ठीक है। सोमनाथ का मंदिर को भी लूटा था 1025 ईस्वी में। अगला है पूर्व मध्यकालीन भारत में सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी ये बताना है। ठीक है, वॉट वॉज द सोशल एंड रिलीजियस सिस्टम इन अर्ली मेडिवल इंडिया। नेक्स्ट है आपका मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के उद्भव और प्रचार किस प्रकार हुआ, हाउ डिड द भक्ति मूवमेंट एमर्ज एंड स्प्रेड इन मेडिवल इंडिया। तो आपको यहाँ पे बताना है, थोड़ा सा बता दीजिएगा कबीर के बारे में, थोड़ा सा बता दीजिए सूरदास के बारे में, थोड़ा सा बता दीजिए क्या है, मतलब यार याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जितना भी ये भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए सबको बताना है, रामानुजाचार्य सॉरी शंकराचार्य के बारे में बताइए थोड़ा सा, ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रकूट वंश की कला और वास्तुकला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो जब आप इसका आंसर कीजिएगा, आंसर कैसे करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले 15 क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद बताऊँगा। चोल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था, कला और वास्तुकला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द चोल एम्पायर। 12 नंबर पे हमारा है पल्लव साम्राज्य की कला और वास्तुकला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, चोल, पल्लव, पांडव ये सभी आपके दक्षिण भारत में राज करने वाले राजा थे, पांडे या पांडे। ठीक है, साम्राज्य की कला और वास्तुकला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए सबका कला और वास्तुकला है, पांडे का भी, पल्लव का भी और आपका चोल का भी, किसी एक के बारे में पूछ ही लेगा, या फिर राष्ट्रकूट का भी। एक अगर आप लिखना सीख जाइएगा तो चारों का आंसर सेम उसी टाइप से होगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा। देखिए राष्ट्रकूट का यहाँ पे कला और वास्तुकला है, चोल का यहाँ पे प्रशासन कला वास्तुकला है, ठीक है, पल्लव का कला और वास्तुकला है, इसी तरह से आपको यहाँ पे पांडे का भी कला और वास्तुकला है। समझ रहे हैं ना, एक ही टाइप से क्वेश्चन कोई ना कोई आएगा ही आएगा, इसलिए फॉर्मेट आपको बनाना सीख लेना है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के इतिहास में चालुक्य वंश की राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का वर्णन करना है। ठीक है, डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एंड कल्चरल अचीवमेंट ऑफ चालुक्य डायनेस्टी इन हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। और अंतिम क्वेश्चन है, भारत पर अरब आक्रमण का क्या प्रभाव और क्या कारण रहा ये बताने हैं। ठीक है, हाँ, तो 15 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कैसे कीजिएगा, अगर आपके पास गैस पेपर है तो गैस पेपर से कर लीजिए। ठीक है, गैस पेपर नहीं है तो इंटरनेट, सबसे पहले तो एक कॉपी में इन सभी क्वेश्चन का को आप नोट कीजिएगा, PDF में वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, सबका ये सिलेबस भी और ये क्वेश्चन भी, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा एक कॉपी में, 15 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और सभी क्वेश्चन का आंसर आप गूगल से या फिर गैस पेपर से, जहाँ से आपके पास उपलब्ध हो वहाँ से नोट कीजिए। पहले आंसर को पढ़ लीजिए, मान लीजिए आपके पास मोबाइल में आंसर को पढ़ लिए, ठीक है, गूगल से सर्च मार के मोबाइल से आंसर को पढ़ लिए, उसके बाद अपने से एक खड़ा पन्ना का एक साइड में, ज़्यादा नहीं, एक साइड में आप कम से कम लिखिए, अगर ज़्यादा लिखने का मन करता है तो एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड में लिखिए, उससे ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि फिर 15 क्वेश्चन का आंसर आप करते करते बोर हो जाइएगा, इसलिए आधा पेज मतलब 50 शब्द या 100 शब्द या फिर मैक्सिमम 200 शब्द प्रत्येक क्वेश्चन का घर पे आंसर करके जाइएगा। मैं कहूँगा कि एक खड़ा पन्ना में शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाइए, जैसे एक खड़ा पन्ना में 2 क्वेश्चन का आंसर है, जैसे ये हमारा खड़ा पन्ना है तो 2 साइड रहता है ना जी, ठीक है, खड़ा पन्ना का ये दोनों साइड रहता है। ठीक है, तो इस साइड में आप क्या कीजिए कि एक क्वेश्चन का आंसर पूरा कर दीजिए,
और यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन का तीसरा, इस तरह से 7 से 8 पेज में आप पूरा का पूरा 15 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और जब आपका एग्जाम होगा उस टाइम पे एक बार इस जो नोट्स बनाएंगे इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। एग्जाम घुसने से पहले जो घंटी लगता है ना, तो हम लोग बाइक के सामने खड़ा होकर थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, बस वही वाला शॉर्ट रिविजन कर लीजिएगा 10 मिनट में, और एग्जाम में जाके धर 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 AK-47 की तरह चला दीजिएगा, ठीक है, पेन को। ओके बाय। और जब आपका एग्जाम हो जाए तो अपने मन से इस नंबर पे हमें क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा दोस्त, ठीक है, 8986-60-75-41, कॉल नहीं लगेगा दोस्त, ठीक है। इस पे आपको अपना क्वेश्चन पेपर सेंड करना है ईमानदारी से, क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर सेंड कीजिएगा आपके आने वाले जूनियर कैंडिडेट को मैं हेल्प कर पाऊँगा इसी तरह से, और क्योंकि हम सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इसीलिए हमारा चलता है, नहीं तो फिर क्या बताएं। चलिए समझ रहे हैं बात को, ठीक है, हम सभी एक दूसरे को हेल्प करेंगे तभी हमारा समाज चलेगा। ओके बाय। PDF वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है।